दोस्तों, आज तक आपने अनाथालयों के बारे में सुना होगा कि जहां पर बच्चों की केयर की जाती है, उन बच्चों की जो अपने माँ बाप से बिछुड़ जाते हैं, या फिर उन बच्चों की जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, किसी कारणवश जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहते, पर उन बच्चों की जिन अनाथालयों में केयर की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है, वो बहुत ही टेम्परेरी किस्म से होते हैं या उनकी पूरी अच्छी तरह से देखभाल नहीं भी हो पाती। पर आज मैं जो आपको अनाथालय की बात करें वो दिखाने जा रहा हूँ, इसे SOS विलेज कहते हैं। SOS विलेज क्या है और इसमें बच्चों की किस तरह से केयर की जाती है, किस तरह से उनकी देखभाल की जाती है, उनके रहन सहन की, उनके खान पान की, उनकी एजुकेशन की, उनकी हेल्थ की, आपको एक बहुत ही अलग सा माहौल मिलेगा। आपको ये लगेगा ही नहीं कि हाँ, इस तरह से भी बच्चों की देखभाल की जाती है और उनका करियर बनाने के लिए किस तरह की हेल्प की जाती है, ये आपको दिखाते हैं। ये है SOS विलेज। अक्सर अनाथालय का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां वो बच्चे जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे और वो उनके बिना बहुत तंग हाल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें अच्छा खाने को नहीं मिलता, अच्छा पहनने को नहीं मिलता, उनका रहन सहन गरीबी की वजह से बहुत बुरा रहता है, वो पढ़ लिख नहीं पाते और अपना भविष्य अच्छे से नहीं बना पाते। पर इन सब बातों और मिथ्य को मिटाता है SOS विलेज, जहां ना केवल अनाथ बच्चों की अच्छे से देखभाल की जाती है बल्कि उन्हें रहने के लिए एक अच्छा घर दिया जाता है, जहां उनके खाने पीने, उनके कपड़ों और उनकी हर जरूरत के सामान के साथ साथ उन्हें माँ का प्यार भी मिलता है। जी हाँ, ऐसी ही है ये जगह जिसे SOS विलेज के नाम से जाना जाता है। SOS विलेज की शुरुआत डॉक्टर हरमन माइनर ने सन 1949 में ऑस्ट्रिया से की थी और आज SOS विलेज 136 देशों में काम कर रहा है। सन 1964 में भारत में इसकी शुरुआत फरीदाबाद में ग्रीन फील्ड नामक स्थान से की गई थी और आज SOS विलेज भारत में 32 अलग अलग जगह पर काम कर रहा है, जहां अनाथ बच्चों के रहने, उनके खाने पीने के साथ साथ उन्हें शिक्षा में भी पूरी मदद मिलती है ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। हमने यहां पर रह रहे परिवारों से बातचीत भी की जिससे हमें मालूम पड़ा कि यहां पर वो कितने अच्छे से एक परिवार की तरह रह रहे हैं। जी। मेरे सारे बच्चे सरदार हैं। अच्छा जी। सबकी चोटी जूड़ा बनाना, पटके बांधना। जी। मतलब टाइम ऐसे कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप भी चाहते हैं कि जो आपके अंडर बच्चे हैं वो जो हैं आगे जाकर एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे। आइए देखते हैं यहाँ किस तरह से सब मिलजुल कर रहते हैं। SOS विलेज में रह रहे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर तरह से ध्यान रखा जाता है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर झूले, उनके खेलने के लिए मैदान भी बनाया गया है। इसके साथ साथ समय समय पर बच्चों के लिए खेल स्पर्धाओं का भी आयोजन किया जाता है जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। SOS विलेज न केवल यहाँ पर रह रहे बच्चों की हर संभव मदद करता है बल्कि अपने आसपास के गांव में भी अगर कोई ऐसा परिवार है जिसमें माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं उठा सकते, उन्हें भी हर संभव मदद की जाती है। SOS विलेज में रह रहे बच्चों की 25 वर्ष तक की आयु तक पूरी जिम्मेदारी संभाली जाती है ताकि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उसके बाद भी अगर इन बच्चों को किसी तरह की कोई मदद चाहिए होती है तो SOS विलेज उनकी मदद के लिए सदैव खड़ा रहता है जिससे उन्हें जीवन में किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज, सरहिंद, पंजाब।